कन्नौज में जनसभा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की हुंकार, भाजपा पर बोला करारा हमला, कहा चौथे चरण तक भाजपा के बूथों पर भूत दिखाई देंगे, कहा इनसे ज्यादा झूठ कोई और नहीं, कहा बीजेपी वालों ने धोखा दिया। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भाजपा पर जोरदार हमला किया, कहा पहले और दूसरे चरण के चुनाव में भाजपा की हालत खस्ता है। कन्नौज और तीसरे चरण में अपने लोगों का समर्थन मिला तो इतना पीछे भारतीय जनता पार्टी छूट जाएगी, इतना पीछे छूट जाएगी कि तीसरे चरण के बाद सातवें चरण तक इनके बूथों पर कोई आएगा नहीं, इनके बूथों पर भूत दिखाई देंगे, भूत, कोई बूथ पे आने वाला नहीं है। मायावती ने लखनऊ में रैली कर बसपा की सरकार बनाने का किया दावा, साथ ही कहा गलत नीतियों के कारण बढ़ी बेरोजगारी, गलत नीतियों के कारण सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस। फिरोजाबाद में सीएम योगी ने रैली को किया संबोधित, कहा फिर सरकार बनते ही 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट मोबाइल देंगे, इस साल में 2 बार होली दिवाली पर गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे। मुख्यमंत्री योगी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा से नहीं की जा सकती अच्छे काम की उम्मीद, माफियाओं पर बुलडोजर चलाने से करते हैं मना। समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान किसी अच्छे कार्य में सराहना करते हुए देखा है क्या कभी? वैसे समाजवादी पार्टी से अच्छे की उम्मीद की नहीं जा सकती। उनकी संवेदना किसानों के प्रति नहीं, नौजवानों के प्रति नहीं, बेटियों की सुरक्षा के प्रति नहीं। उनकी संवेदना तब होती है भाइयों बहनों, तब जागती है जब माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता है, तब कहते ये नहीं करना चाहिए। औरैया में अखिलेश यादव ने यूपी के लोगों से मांगा साथ, कहा सपा की बनेगी सरकार तभी आएगी खुशहाली, भाजपा पर हमला करते हुए कहा लखीमपुर में किसानों के साथ अन्याय हुआ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा भाजपा का सफाया होना तय है, जनता माफ नहीं करेगी, यूपी से साफ करेगी। पहले चरण में ही किसानों ने अपने मान सम्मान का चुनाव समझ करके इनको हराने का काम किया है और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा इनका सफाया होना तय है। अखिलेश यादव ने आशीष मिश्रा की रिहाई को लेकर कसा तंज, कहा सरकार आने पर किसानों की जान लेने वाले जाएंगे जेल। जिसने गाड़ी से किसानों को कुचला था उसको जमानत मिल गई, जो पैरवी सरकार को करनी चाहिए थी वो पैरवी नहीं हुई। एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमले का मामला पहुंचा चुनाव आयोग, लखनऊ में भाजपा नेताओं ने निकाला मार्च, चुनाव आयोग से कड़ी कार्रवाई की मांग की। भदोही में विधायक विजय मिश्रा ने किया नामांकन, विधायक की बेटी ने प्रतिनिधि के तौर पर भरा पर्चा, ज्ञानपुर सीट से प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से लड़ रहे हैं चुनाव, विजय मिश्रा आगरा केंद्रीय कारागार में है बंद। अमेठी में शुरू हुई इमोशनल राजनीति, रो रो कर ग्रामीणों से वोट मांग रही गायत्री प्रजापति की पत्नी और बेटियां, गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति को सपा ने अमेठी विधानसभा से टिकट देकर मैदान में उतारा।